दमोह में एक स्कूल के ड्रेस कोड को लेकर विवाद खड़ा हो गया। हिंदू संगठनों ने विरोध जताया और जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जांच के आदेश दिए हैं। नारेबाजी कर रहे ये लोग हिंदू संगठन से जुड़े हैं। गंगा जमुना स्कूल के ड्रेस पर इन लोगों ने आपत्ति जताई और इसे लेकर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। पूरा मामला तब सामने आया जब स्कूल ने एक पोस्टर लगाया। पोस्टर में हिंदू लड़कियों ने हिजाब पहना हुआ था। वह हिंदू संगठनों का कहना है कि सरकार से मान्यता प्राप्त स्कूल धर्म विशेष को ही अपना ड्रेस कोड बना दिया, जो नियमों का उल्लंघन है। देखे तो आर्टिकल 29 ये कहता है कि तीन प्रकार की संस्थाएं होती है शिक्षा संस्थान। तीसरी शिक्षा संस्थान होती है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त, वहाँ धार्मिक शिक्षा अलाउड नहीं है। लेकिन अगर कोई धार्मिक शिक्षा दे रहा है और अगर किसी स्कूल की ड्रेस मतलब बाध्य नहीं किया जा सकता किसी को धार्मिक आचरण करने के लिए, लेकिन अगर आप बताओ जैसे पुलिस है तो पुलिस की प्रॉपर ड्रेस है, वो उसकी बाध्यता है। अगर किसी स्कूल में किसी को ड्रेस कोड बना दिया जाएगा तो क्या वो बाध्यता नहीं है? ये सीधा सीधा संवैधानिक उल्लंघन है, हमारे जो मौलिक अधिकार है उनका उल्लंघन है। उधर मामले के सामने आने के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जांच के आदेश दिए हैं। उसकी जांच कराई है, प्रथम दृष्टया जिला शिक्षा अधिकारी को जांच के लिए भेजा था। जांच में उनके परिवार वालों ने कोई इस तरह की शिकायत नहीं की है। जिला शिक्षा अधिकारी स्वयं गए थे, उसके बावजूद भी मैंने पुलिस अधीक्षक को उसकी गहन जाँच के लिए बोला है। वही स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा की भी प्रतिक्रिया सामने आई। बच्ची ने धार्मिक शिक्षा दिए जाने से इनकार किया, साथ ही स्कार्फ पहनने का दबाव से भी मना किया है। हमारा एक स्कूल का ये ड्रेस कोड है, सलवार सूट और स्कार्फ, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कभी हमारे ऊपर दबाव नहीं डाला गया कि आप लगाओ या फिर ये, हमसे कभी किसी ने कुछ भी नहीं कहा कि आप लगाइए या फिर नहीं लगाइए, ना ही हमें किसी धर्म के बारे में कुछ भी बताया जाता है। स्कूल के ड्रेस कोड को लेकर खड़े हुए विवाद की जाँच जिला प्रशासन कर रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि जल्द स्कूल का पूरा सच सामने आ जाएगा।